हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का पेपर ओरिजिनल हमारे सामने आ चुका है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम आपको पूरा ओरिजिनल पेपर इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। और बच्चों सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो बच्चों आपको वीडियो कहीं पर भी स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बच्चों देख सकते हो, सबसे पहले फ्रंट पेज आपका कुछ ऐसा रहने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलेगा हमें सेक्शन ए, इसमें रीडिंग स्किल है। तो आज इसके क्वेश्चन नंबर 1 में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। और प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास कि जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर का आने वाला है और सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। देखिए यहाँ पास पैसेज हम आपको दिखाने वाले हैं, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों आपका पैसेज दिया गया है। और जो बच्चों इसके क्वेश्चन है वो जो कि नेक्स्ट पेज में दिए गए हैं हम आपको दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट पेज में आधा पैसेज बच्चों यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आज इसके क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर डिड डॉक्टर अम्बेडकर टीच। तो इसका हो जाएगा आंसर बच्चों सेंडम कॉलेज। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर वाज अ टीचर ऑफ। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक टीचर थे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हो अमोंगस्ट द फॉलोइंग हेल्पेड डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ अम्बेडकर फ्रेंड्स हेल्पेड हिम टू गो टू लंदन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोबेल भटेना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 व्हाई डिड डॉक्टर अंबेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इसका आंसर कर देना हमें ऑप्शन नंबर बी, फॉर लैक ऑफ रिसोर्स एंड टाइम। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी का 6th पार्ट है व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर रील्स एम ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकेडमिक इमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले का 7th पार्ट है व्हाट वाज मिस्टर विठल भाई पटेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 8 डॉक्टर अंबेडकर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम्स। इसका आंसर कर देना है लंदन में सोम। क्वेश्चन नंबर 9 है इसी का, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड डॉक्टर अंबेडकर वर्कड एज अ प्रोफेसर। तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो 2 साल के लिए प्रोफेसर बने थे। अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर एक्सपोज इन हिज थीस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 में जो पैसेज था बच्चों हमने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है, आपको बिल्कुल भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद चलिए हम दिखाने वाले आपको क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग गिवन अ सुटेबल टाइटल। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास बोला गया है कि जो पैसेज दिया गया है उसका हमें नोट्स बनाना है और उसका टाइटल बनाना है। और बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है, नोट्स और टाइटल ये तो आप लोगों से 9वीं से बनाते हुए आ रही है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे तरीके से पैसेज को देख लेना है और इसके नोट्स और टाइटल आपको अच्छे तरीके से बच्चों तैयार कर लेना है, यही पूरा रिट्टो आपको छपा हुआ मिलेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ से बच्चों स्टार्ट होता है अपना सेक्शन बी, राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, देखिए यहाँ पे, यू आर अमन लोधी द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, राइट अ नोटिस। देख सकते हो बच्चों यहाँ पे हमें नोटिस लिखना है, नोटिस इन्फॉर्मिंग ऑल द कैप्टन्स एंड द वाइस कैप्टन रिगार्डिंग अ मीटिंग ऑफ द प्रिपेयरिंग फॉर एनुअल फंक्शन। तो एनुअल फंक्शन प्रिपेयर करने के लिए हमें एक नोटिस लिखना है, या फिर आप इसका अथवा भी करा सकते हैं, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वॉन्ट टू सेल सम हाउस होल्ड गुड्स, प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिशड इन अ लोकल न्यूज पेपर। तो बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन कर देना एकदम बेस्ट रहेगा कि आपके पिताजी का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है, तो हमारे घर में जो भी अच्छे सामान है उसका हमें एडवर्टाइजमेंट करवाना है। तो आपको अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेना है। आ जाइए पहले बच्चों नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल सीकिंग परमिशन ऑफ अ पिकनिक टूर टू अ नियर बी प्लेस। तो बच्चों हमें पिकनिक के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, आप लोगों से वैसे भी रट्टा होगी, एप्लीकेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है। आ जाइए पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो 120 वर्ड्स में हमें ये दिए गए पॉइंट्स में से लिखना है, जो कि प्यारे बच्चों ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इनमें से किसी एक के बारे में लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आ जाइए बच्चों नेक्स्ट देखिए, सेक्शन सी में ग्रामर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, जो कि ये 5 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे 6 पार्ट दिए गए हैं जिसमें से हमें कोई 5 पार्ट कराने हैं। तो देखिए यहाँ पास माउंट एवरेस्ट इज द, इसका प्यारे बच्चों हो जाएगा द, इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, डू यू हैव। तो बच्चों यहाँ पे हमें कर देना है डेट इज मनी बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी। ही जंपेड, जब भी जंप करने की बात कही जाए तो उसमें इंटू लगाते हैं, इंटू हरी डेट इज
रन्स फास्ट व्हेन ही वाज यंग, इसका आंसर हो जाएगा कुड। हिंदी इज डेड डेज इज मैनी कंट्रीज, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले बच्चों स्पोकन। डेड डेज द पीपल वी आर शाउटिंग लाउडली, तो बच्चों इसका आंसर कर देना हमें इवरी। तो हमने सभी पार्ट का आंसर बता दिया है आपको, इनमें से कोई फाइव पार्ट ही करने प्यारे बच्चों, सभी पार्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करने। आप अच्छे से देख लीजिएगा कितने पार्ट बोले गए, जैसे कि इसमें बोला गया एनी फाइव, तो इसके हमें केवल फाइव पार्ट ही करने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में आ जाइए, यहाँ पे दिया गया बच्चों डू इज डायरेक्टेड, इसमें भी हमें कराने हैं एनी फाइव। तो यहाँ पास देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी सिक्स पार्ट दिए गए हैं, जिनमें से हमें प्यारे बच्चों कराना है कोई पांच। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है यू डिड इट निकली, इसका नेगेटिव बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा यू डिड नॉट डू इट निकली। तो यहाँ पे बच्चों आपको लिख देना है डिड नॉट डू इट निकली। अगला क्वेश्चन देखिए, चेंज द वॉइस मोना राइट्स अ लेटर, तो सबसे पहले इसका आंसर लिख देना है अ लेटर इज रिटन बाय मोना, अ लेटर इज रिटन बाय मोना। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, जहाँ पे अनलेस लगा वहाँ पे हमें इफ लगा देना है, और जहाँ पे बिल बिल के बाद नॉट लगा, नॉट को प्यारे बच्चों हटा देना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसका फाइव पार्ट है ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, तो यहाँ पे हमें करना ही इज, जहाँ पे टी डबल ओ लगा है वहाँ पे सो लगा देना है, पुअर जहाँ पे टी ओ लगा है वहाँ पे दैट लगा देना है बच्चों। इसके बाद ही कैन नॉट लगा के पे हिज फीस कर देना है। अगला क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, रीअरेंज करना है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आज इसके बाद सेक्शन डी में टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, जो कि पांच नंबर का प्यारे बच्चों क्वेश्चन है। तो यहाँ पास पैसे दिया गया, इसका आंसर हमने यहाँ पे ले रखा है व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, इसका आंसर हो जाएगा बिजनेसमैन। व्हाट डज सफरिंग मीन्स, तो बच्चों इसमें सफरिंग का मीन्स हो जाएगा ट्रेंडिंग बाय सी। आज नेक्स्ट पार्ट में, तो बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि बाकी आपके सारे विषय के पेपर इसी यूट्यूब चैनल में मिलने वाले हैं और भी एकदम ओरिजिनल। अगले पार्ट का आंसर हो जाएगा पहले बच्चों वोएगर, अगले पार्ट का आंसर हमें कर देना है लिमिटेड टाइम। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पास ट्रू फॉल्स दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप लोगों के पास भी टाइम बहुत कम है, तो हमको आपको केवल आंसर आंसर बताने वाले हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पास नाइन नंबर का एक आपका पहले पार्ट कर देना है गोल्ड फिंच, अगले करना है बच्चों अ गोल्ड फिंच। नेक्स्ट है हु गिव्स शेल्टर टू द बर्ड्स एंड हर यंग वंस, इसका आंसर कर देना बच्चों आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी बच्चों पैसेज आया है, तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा पहला, दूसरे का आंसर हमें कर देना है पहला। नेक्स्ट देखिए तीसरे का आंसर कर देना हमें बी नंबर, चौथे का आंसर हो जाएगा पहले बच्चों सी नंबर। क्वेश्चन नंबर टेन देखिए पहले बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी फाइव, तो पहले बच्चों यहाँ पास हमें कोई पाँच क्वेश्चन करने हैं, जो कि सभी क्वेश्चन दो दो नंबर के होने वाले हैं, तो आप लोगों से वैसे भी क्वेश्चन आंसर याद होंगे, एंड आपसे क्वेश्चन आंसर याद नहीं है भी तो आपके पास अभी फिलहाल बहुत सारा टाइम है, तो आप सभी क्वेश्चनों को आप अपनी परीक्षा में टिक लगा लीजिए और अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिए, तभी आपको फुल में फुल नंबर इस बार मिलने वाले हैं। आ जाइए बच्चों इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी थ्री कराना है इसके, जो कि हर एक क्वेश्चन दो दो नंबर के होने वाले हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है एनी टू कराने हैं बच्चों इसके। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द लिम्बर्नम टॉप, तो बच्चों आपको द लिम्बर्नम टॉप के सभी आंसर लिख देने हैं, यही हो जाएगी इसकी सेंट्रल आइडिया। क्वेश्चन नंबर 15 है पहले बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, तो इसका आंसर हमें लिख देना है 75 वर्ड्स में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको बाकी सभी विषय के पेपर इसी यूट्यूब चैनल में मिलने वाले हैं, वो भी एकदम ओरिजिनल, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के चैनल को सब्सक्राइब करवाना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के शेयर करना है।